हेलो दोस्तों, लाइफ मीन्स मोर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास शुरू हो चुका है और श्रावण मास से जुड़े कुछ विशेष वीडियो मैंने पहले ही मेरे चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखने होंगे तो उनकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस मौके पर आइए जानते हैं शिव शंकर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य इस वीडियो के माध्यम से। भगवान शिव को शाश्वत माना जाता है क्योंकि भगवान शिव को अनादि कहा जाता है, जो कि एक शाश्वत देवता है। इसलिए कोई नहीं कह सकता कि उनका जन्म कैसे हुआ या उनके माता पिता कौन थे। नृत्य करते समय भगवान शिव के रूप को नटराज कहा जाता है और यह नृत्य के देवता है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाए तो उसकी पूजा नहीं होती, लेकिन शिवलिंग कितना भी टूट जाए उसकी पूजा करने की परंपरा है। शिव शंकर की एक बहन है जिसका नाम अमावरी है। पार्वती के अनुरोध पर शिव शंकर ने अपनी शक्ति से अमावरी को अस्तित्व में लाया था। भगवान शिव और पार्वती के एक पुत्र का नाम कार्तिकेय है और कहते हैं कि पार्वती ने अपने दूसरे पुत्र गणेश को अपने शरीर के लेप के साथ बनाया था। शिव पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाने की एक विधि है। हालांकि बेलपत्र के साथ जल चढ़ाने का भी नियम है। शंख द्वारा शिवलिंग पर जल अर्पण करना वर्जित माना जाता है क्योंकि शंख चूड़ को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से भस्म किया था और शंख उनकी ही हड्डियों से बनाया गया था। भगवान शिव के गले में जो सर्प है उसका नाम वासुकी है और शेष नाग के बाद सभी सर्प वासुकी के अधीन है। चूंकि भगवान शिव को वासुकी से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने इस नाग को अपने गले में धारण किया। शिव शंकर का वाहन नंदी उनके गण में सबसे ऊंचा है और वह शिलाद ऋषि को वरदान के रूप में दिया गया पुत्र था। इस पुत्र की कठोर तपस्या के कारण उन्हें शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने विष क्यों पिया? देवताओं और राक्षसों ने समुद्र मंथन किया, उसी समय जहर निकला। जब कोई विष लेने को तैयार नहीं हुआ था तो शंकर ने विष को अपने कंठ में रख लिया तो उनका गला नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। समुद्र मंथन का अर्थ है मन का मंथन। शंकर ने इस विष को अपने कंठ में धारण किया, खुद को प्रभावित नहीं होने दिया। जहर एक बुरी प्रवृत्ति है, शंकर ने उस प्रवृत्ति को हरा दिया। उसी तरह भगवान शिव शंकर को भांग या धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? भांग और धतूरे से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। भांग और धतूरे का उपयोग नशे के लिए किया जाता है। शंकर को भांग और धतूरा चढ़ाने से आपकी बुरी आदत दूर हो जाती है, इसलिए संकल्प करें कि आप नशे वाली ऐसी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, भगवान को अर्पित कर इससे दूर रहेंगे। साथ ही एक कथा के अनुसार जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन शुरू हुआ था तो शिव शंकर ने उसमें से निकले विष का सेवन किया, लेकिन जब वे विष को पी रहे थे तो जहर की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई। नंदी ने अपनी जीभ से उन विष की बूंदों को चाटा। शिव शंकर नंदी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने भक्तों में सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। उन्होंने आगे कहा कि उनके पास जो भी शक्तियां है वे सभी नंदी के पास भी रहेगी। इस प्रकार नंदी सांब सदाशिव को बहुत प्रिय हो गए। कहते हैं नंदी से व्यक्त की गई इच्छाएं कभी भी अधूरी नहीं रहती। शंभू महादेव ने नंदी को इस तरह आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी। यही कारण है कि हम हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्तियां पहले देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप भगवान शिव से कुछ मांगना चाहते हैं तो नंदी को पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ कहें। यदि आप ऐसा करते हैं तो नंदी आपके मन की इच्छाओं को शिव शंकर तक पहुंचा देंगे और भोलेनाथ नंदी से उन तक पहुंची हुई इच्छाओं को अवश्य पूरा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान महादेव से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।